जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का राजा राज्य करता था, जो अपने अन्याय और लालच के लिए जाना जाता था। अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करवाकर जब वह महल लौट रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। कंस, देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और तेरे अत्याचारों का अंत करेगा। इस आकाशवाणी से परेशान कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में बंद करवा दिया, ताकि वो उनकी जन्म लेने वाले प्रत्येक संतान का वध कर सके। एक के बाद एक कंस ने देवकी की सभी सात संतानों का वध कर दिया। जब देवकी ने अपने आठवीं संतान को जन्म दिया, तब वह अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गई। वासुदेव से कहा, स्वामी, हर बार की तरह इस बार भी मेरा भाई मेरी संतान का वध कर देगा। वासुदेव, तुम चिंता मत करो देवकी, भगवान विष्णु हमारी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारी आठवीं संतान कोई दिव्य आत्मा है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वासुदेव से कहते हैं, वासुदेव, अपनी इस संतान को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा से जन्मी संतान से इसे बदल लो। देखते ही देखते एक के बाद एक कई चमत्कार हुए। वासुदेव की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, सारे पहरेदार बेहोश हो गए, कारागार के दरवाजों के ताले टूट गए। उन्होंने जल्दी से अपने पुत्र को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। काली भयानक रात और भारी बारिश में वो तूफानी यमुना नदी को पार करने के लिए जैसे ही नदी में उतरे, नदी का पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा और टोकरी में सो रहे बच्चे को शेषनाग ने अपनी छत्र छाया दी। नंद के घर पर अपने बेटे को रख कर वे यशोदा की बेटी को टोकरी में रख उसी तरह वापस मथुरा के कारागार लौट आए। जब कंस को यह सूचना मिली कि देवकी की आठवीं संतान जन्म ले चुकी है, तब वह कारागार में आया। देवकी और वासुदेव, नहीं भैया, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझ पर कृपा करो, दया करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही कंस ने देवकी से बच्ची को लिया, तो उस बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कंस को चेतावनी दी, दुर्गा देवी, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का आठवां पुत्र धरती पर जन्म ले चुका है, तेरा अंत अब निश्चित है। यह सुन कंस गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर जोर से चीखने लगा। बालक कृष्ण नंद बाबा और यशोदा द्वारा पाले गए और बड़े होकर कंस का वध किया। यशोदा मैया के साथ उनकी बाल लीलाएं आज भी लोगों का मन मोहती हैं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की, सब बोलो बांके बिहारी लाल की जय।